आजकल सबको YouTube करना है, सबको vlogging करना है. Everyone wants to be on YouTube. Everyone wants to vlog. And I keep on getting a lot of questions. भैया जी कुछ ऐसा कैमरा बताओ जो सब कुछ कर सके और जो एक लाख से कम हो, ना कि बहुत ज़्यादा चीप हो गया, like a GoPro और Osmo Pocket, like 20-30 हज़ार जो कि रात में फिर काम ना करे, या फिर ऐसा कोई कैमरा हो जो एक लाख के ऊपर हो, A6500, A6400, वो भी नहीं चाहिए, ना कि 3-4 लाख 2-3 लाख खर्चा करके 5D Mark IV या Sony A7S2R3 ये सब लेना है. कुछ ऐसा कैमरा बताओ जो कि 1 लाख के अंदर हो और सब कुछ करता रहे, स्क्रीन हो, माइक इनपुट हो, आराम से गोरिल्ला पॉड लगा के बस व्लॉगिंग करना शुरू हो जाए. सो इन दिस वीडियो आई एम गोना गिव यू 3 best options फॉर यू टू गो एंड बाय like 3 cameras which is like best options for you right now to buy in 2019. All the links below in the video description. मेरे लिंक से ही खरीदना. आप जो खरीदोगे मेरे लिंक से मेरे को कुछ पैसा मिलता है, वो पैसे से मैं अपना गाड़ी में तेल डालता हूँ. So make sure you are making all the purchases from my links. Thank you. So the first option is Sony RX100 version 7. ये अभी बस शायद एक दिन पहले ही निकला है. 1-inch sensor है, 120fps slow-mo, you can do up to 1080p. IAFA is lot of face detection point, like 357 face detection point. It's almost the same as my Sony A7 R3. My God, it's like 1 lakh के अंदर ये शायद वही 90,000 या 70,000 के अंदर ये आएगा. And 1-inch sensor, 4K video, 120fps slow mo with like real time IAF, animal real time IAF, सब कुछ almost सब कुछ दे दिया है. फीचर्स तो 1-inch सेंसर में इतना कम में, एंड उसमें स्क्रीन भी है. येस फॉर व्लॉगिंग यू नीड द स्क्रीन. वो स्क्रीन ऊपर से निकलेगा, लाइक इन A6500 ये स्क्रीन यहीं तक ही रुकता है, बट वो जो RX100 version 7 में ये स्क्रीन ऐसे टूट के ऊपर से निकलेगा. यहाँ एक माइक इनपुट भी है, माइक लगाओ, स्क्रीन ऊपर से निकालो, गोरिल्ला पॉड लगाओ, बस गेट स्टार्ट विद द व्लॉगिंग. सो RX7 प्राइसिंग इज समवेयर अराउंड $1200 इंडिया में, शायद आते आते वही 70-80 हज़ार के अंदर आएगा, उससे कम आएगा शायद, इतना ज़्यादा नहीं आएगा इंक्लूडिंग GST. मोस्ट प्रोबेबली विल बी समवेयर अराउंड 70,000. फर्स्ट ऑप्शन है, हाईली रिकमेंड टू गो एड एंड गेट द सोनी RX7 version 7. लिंक बिलो इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन. द सेकेंड बेस्ट ऑप्शन इज कैनन G7X Mark III. ये भी शायद एक महीने पहले, मे बी 10 दिन पहले ये कैमरा निकला है. पहले वाला कैमरा में माइक इनपुट नहीं था, पहले वाला में बहुत सारा फीचर्स नहीं था, बट ये नए वाले में स्विवेल स्क्रीन है, माइक इनपुट है, इट डज 4K वीडियो, इट डज 120fps स्लोमो, यू कैन डू अप टू लाइक 1080p एट 120fps, क्रेजी गुड माइक इनपुट भी है, स्क्रीन भी निकलेगा, आराम से गोरिल्ला पॉड लगा सकते हो, एंड दिस डज अप टू लाइक 24mm टू 100mm अगर. एंड ये G7X Mark III इज दिस समवेयर अराउंड $750, लाइक 50,000 ऐसे कुछ आएगा, बट वो सोनी RX100 version 7 वो शायद और 10-20 हज़ार एक्स्ट्रा आएगा G7X से, क्योंकि उसमें 24-200mm का इनबिल्ट जूम है, लाइक जूम इज 8x एंड इसमें जूम इज लाइक 4x, सो 24-200 विद इफ यू वांट टू पे लाइक $200 एक्स्ट्रा, लाइक 10-20 हज़ार एक्स्ट्रा पे करते हो तो डबल जूम मिलता है. तो जिसको चाहिए कि एक कैमरा में सब कुछ हो, पास का हो जाए व्लॉगिंग हो जाए, दूर का बी रोल हो जाए, बहुत दूर का टेलीफोटो फोटो वीडियो सब कुछ हो जाए, go ahead and get the Sony RX7 because yeah it makes sense because 10-20 हज़ार extra में आपको almost double zoom मिल रहा है and एक camera में सब कुछ हो जा रहा है. So जी my best recommendation would be first one is the Sony RX7 because it's new, like 2 days back it was just released, and the second will be the Canon GX7 क्योंकि सबको ही Canon use करता है. I mean everyone is on the Canon ecosystem. Sony is just new and everyone takes time to get into Sony. At least in India, लोग बहुत late में आते हैं. Sony तो मैं use कर रहा हूँ शायद 3-4 साल से, but India में लोग Sony अभी अभी आ रहे हैं. बहुत लोग Canon use करते हैं तो उनके लिए मे बी ये G7X Mark III will be the best option. Third and the oldest option is going to be the Canon mirrorless M50. ये APS-C sensor वाला है, जबकि वो Sony का RX7 एंड वो कैनन का G7X Mark III बोथ वेयर 1-inch सेंसर, जबकि M50 इज APS-C सेंसर, उसका 3 डबल बड़ा सेंसर है, तो इसमें आपको रात में अच्छा वीडियोज आएंगे, फोटो भी रात के कुछ अच्छे आएंगे, उसमें थोड़ा हेजी आएगा, थोड़ा ज़्यादा नॉइज आएगा, बट ये M50 में आपको फोटो एंड वीडियो एवरीथिंग विल बी नाइस, मच बेटर देन द सोनी RX7 एंड द कैनन G7X Mark III बिकॉज लेंस सेंसर इज बिग, एंड इसमें आप लेंस चेंज कर सकते हो. इफ़ यू नीड अ टेलीफोटो लेंस उसमें बड़ा वाला लेंस लगा दो, अगर पास में चाहिए छोटा वाला लेंस लगा दो, और बहुत ज़्यादा वाइड चाहिए एक वाइड वाला लेंस लगा दो, तो इसमें आप लेंस चेंज कर सकते हो. वो पहले दो में
लेंस चेंज नहीं कर सकते, बट दिस डज 4K क्रॉप, काट के 4K आएगा, पूरे APS-C सेंसर यूज नहीं करता है, एंड द स्लोमो इज ओनली अप टू 720p. दैट्स अ सेटबैक, एंड द प्राइस इज समवेयर अराउंड $1000, वही 50,000 में आ जाता है M50. दोज आर द बेस्ट 3 ऑप्शंस एटलीस्ट यू कैन गो इट एंड गेट. अगर आपको इतना पैसा भी खर्चा नहीं करना है, 50,000, 60,000, 70,000 खर्चा नहीं करना है, एंड यू जस्ट वॉन्ट टू गेट स्टार्टेड, जस्ट गो इट एंड यूज योर फोन. फोन से अच्छा टूल कुछ भी नहीं है. फोन में माइक है, वीडियो है, सब कुछ है, एंड फोन का सेंसर भी आजकल बहुत ही अच्छा आ चुका है. ये वन प्लस 7 प्रो का वीडियो रात में इतना अच्छा आता है, आई मीन माई गो प्रो कैन ईजिली फेंट. एंड आईफोन में तो छोड़ो, वीडियो और फोटो सब कुछ अच्छा आता है. तो अगर आपको पैसा खर्चा नहीं करना है, गो एंड गेट एनी ऑफ योर फोन, यूज एनी ऑफ ए गुड फोन. एंड अगर पैसा खर्चा करना है, इफ यू रियली आर रियली सीरियस अबाउट योर वीडियो मेकिंग स्किल्स और ब्लॉगिंग और गेटिंग इन टू यूट्यूब थिंग, go ahead and spend on any of those 3 cameras. You will be absolutely blown away with the quality. So first wala option gaya Sony RX100 version 7, second wala gaya Canon G7X Mark III, and the third one is the Canon M50. If you have got any questions, just let me know in the comment section below. Smash the subscribe button if you haven't done it yet, and don't forget to comment about my Hindi. I tried again. I guess it's working good, and we are going to try a lot more Hindi videos. So I will see you guys tomorrow.